परमेश्वर के निज नाम, मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, प्यारे नाम ओम का वाणी से उच्चारण करते हैं। श्वास को आइए अच्छे से भरकर इस औषधि का पान करें। दिव्य औषधि है प्रभु का नाम। ये हमारे मन के समस्त रोगों को दूर करती है। जब भी अवसर मिले इसका सेवन किया करें। प्रार्थना की पंक्तियां पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब दोहराइएगा। हम आर्यों का हे प्रभु जीवन उदार हो। हम आर्यों का हे जीवन उदार हो। सच सादगी भलाई ही जीवन का सार हो। सच सादगी भलाई ही जीवन का सार। हरिओं का हे प्रभु
जीवन उदार हो, अंग्रेजियत से इस तरह न ताना जोड़ ले, अंग्रेजियत से इस तरह न ताना जोड़ ले, निज वेश भाषा सभ्यता संस्कृति छोड़ दे, निज वेश भाषा सभ्यता संस्कृति छोड़ दे, निज वेश भाषा सभ्यता संस्कृति छोड़ दे, होली के रंग नफी के हो, घर घर मलार हो, होली के रंग नफी के हो, घर घर मलार हो, हम हारियों का हे प्रभु जीवन उदार हो, मिट जा जाति पाति छुआ छूत देश से, मिट जाए जाति पाति छुआ छूत देश से, अज्ञानता का भाग जाए भूत देश से, अज्ञानता का भाग जाए भूत देश से, अज्ञानता का भाग जाए भूत देश से, अबलों दिन दुखियों का नहाकार हो, अबलाओ दिन दुखियों का नहाकार हो, हम भारतीयों का प्रभु जीवन उदार हो, भारत में एकता अखंडता रहे सदा, भारत में एकता अखंडता रहे सदा, सर्वे भवन्तु सुखिन के गंगा बहे सदा, सर्वे भवन्तु सुखिन के गंगा बहे सदा, सर्वे भवन्तु सुखिन के गंगा बहे सदा, हर व्यक्ति रूप राष्ट्र का एक पहरेदार हो, हर व्यक्ति रूप राष्ट्र का एक पहरेदार हो, हम आर्यों का हे प्रभु जीवन उदार हो, जीवन उदार हो, जीवन उदार हो, ओम शांति 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 ओम, बोलो भारत माता की जय, वंदे
वंदे मातरम्। बोलो वेद भगवान की जय। अपने आर्य समाज गांधीधाम के 68वें वार्षिकोत्सव समारोह के द्वितीय दिवस में उपस्थित आप सभी पवित्र आत्माओं के मैं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। आप सब शतायु हो, 100 वर्ष की आप सब की आयु हो, आपके घर में प्रचुर मात्रा में धन धान्य हो, आपके घर के आंगन में बच्चों की किलकारियों का गुंजन हो, ऐसी भगवान से मैं कामना करता हूं। अपने सभी अधिकारियों का, आयोजकों का मैं बहुत आभारी हूं। श्रद्धेय प्रधान जी आचार्य वाचुनिधि आर्य जी और उनके समस्त परिजन, माननीय मोहनलाल जयगिर जी उप प्रधान, श्रद्धेय मंत्री माननीय गुरुदत्त शर्मा जी, श्रद्धेय राजेंद्र गौड़ जी, अपने श्रद्धेय विश्व प्रेम वेदानुरागी जी, श्रद्धेय अपने कल्याण जी आर्य, श्रद्धेय चंद्र प्रकाश जी और अपने आप सभी के बीच में ये अपने चित्र और ये आप सुंदर वेद मंत्रों का लेखन देख रहे हैं। बधाइयों से ही संभगत अपने पंडित प्रणव आर्य जी जो बहुत अच्छा अभी उपदेश कर रहे थे, मेरे पुत्रवत प्रिय सुरेंद्र आर्य जी अपनी इस संस्था में रेलवे में भी होकर के अपनी सेवाएं दे रहे आर्यवीर प्रशांत जी, श्रद्धे कपूर जी, श्रद्धे यशपाल शर्मा जी, योगेंद्र जी, माता विमला देवी जांगड़ जी, बहन मंजू जी, सुनीति गर्ग जी, मीता बहन जी, मनस्वी आर्य जी, तन्मय आर्य जी, अशोक भाई पोपट जी, ऋषिकांत जी, नीलेश जी, नवीन जी, पुरुषोत्तम भाई, बहुत सारे आप अपने हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो और भी कुछ देर होगी। आप सभी के मैं स्वस्थ सुखी मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। आइए आज कुछ चिंतन को और विस्तार दें। मेरा प्रयास रहता है कि मैं थोड़ी वो चर्चा आपके बीच में करूं कि जिससे आपको तीनों प्रकार के लाभ, आपकी शारीरिक उन्नति भी हो, आपकी आत्मिक उन्नति भी हो और आपकी सामाजिक उन्नति भी हो, आउटपुट आना चाहिए। मैं बोला, आपने सुना, मैं क्या बोला? बहुत अच्छा बोला, क्या बोला ये नहीं पता तो ये नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हम जो बोले वो सुना भी जाए और सुनकर के आत्मा दब जाए। और मोटा मोटा जो लोग ईश्वर विषय थोड़ा रहस्यमय है, गॉड इज मिस्ट्री, उसको खोजना पड़ेगा। एक आविष्कार जैसे वैज्ञानिक चीजों को खोजता है, वैसे ही ईश्वर खोज का विषय है। इतना सरल नहीं है ईश्वर जितना कि लोगों ने समझ रखा है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं सुबह कह रहा था माननीय कल्याण जी कि ईश्वर को लोग भजते तो है, पर कौन भजते हैं? भगवान कृष्ण अपने ढंग से कहा था, मुझे 4 प्रकार के भक्त भजते। और मैंने अपने ढंग से आपको समझाया था कि भगवान को 3 कारणों से ही लोग भजते हैं। प्रथम है अप्राप्त की प्राप्ति, जो मुझे प्राप्त नहीं है वो मुझे प्राप्त हो जाए। दूसरा है प्राप्ति की रक्षा, ये मेरे पास जो भी है, चाहे वो मेरी युवावस्था हो, सौंदर्य हो, धन हो, वैभव हो, ये सब मेरा बना रहे, ये बिगड़ना चाहे, इसके लिए भगवान के पास जाते। और तीसरा कारण होता है मेरे से पाप हो गया और मैंने सुना है पाप का फल मिलता है, तो मुझे पाप का फल, इसीलिए गंगा में डुबकी, अरे बोलो, लगाते हैं कि नहीं? आपे जमजम गटकते हैं कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पागल है, सारे बीमार है, मैं इनकी एक की बात नहीं करता, सबको सबके धर्माधिकारियों ने बहका रखा है, ये परमात्मा माफ कर देता है, ध्यान रखना। लेकिन परमेश्वर पाप माफ
नहीं करता। ये कहने वाला विश्व के आंगन में अगर कोई है तो वेद का फॉलोअर केवल आर्य समाज है। जानना, हमें सरल नहीं करना, ईश्वर जैसा है हमको वैसा ही जानना होगा। ईश्वर को जानने के लिए खोजी बनना होगा। मुझे बताओ, जिलाधिकारी बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, वकील बनने के लिए क्या यूं ही हो जाता है? नहीं, बताओ। जैसे आप पुस्तकों के पास गए, ये भूगोल की किताब रखी है, गणित की किताब रखी है, इंग्लिश की किताब रखी है, विज्ञान की किताब रखी है, और आप उन किताबों के पास जाके पुस्तक में या है हमको हमको इंजीनियर बना दो। बताओ, आप वो मैथ की मोटी मोटी किताबें ऊपर से फूल चढ़ा के हाथ जोड़ के ये कहो, हे सरस्वती मैया हमको इंजीनियर बना दो, बन जाओगे क्या? नहीं। अरे बिना पढ़े बन जाओगे क्या? बोलो, कोई बनाए क्या? वैसे ही परमात्मा के सामने जाकर ये कहना कि भगवान मेरे दुखों को दूर कर दो, मेरे को पुत्र दे दो, मेरी अमुक कामना पूरी कर दो, ये वैसा ही पागलपन है। जानना क्या बोला मैंने, जैसे किसी पुस्तक को बिना पढ़े व्यक्ति प्रार्थना करे कि हे मां मेरे को तू विद्वान बना दे, वो विद्वान नहीं हो सकता बिना पढ़े, बिना पुरुषार्थ किए। वैसे ही भगवान के मंदिर में जाकर अगर कोई व्यक्ति कहता है भगवान मुझे सुखी कर दो, मुझे संतान दे दो, मुझे अच्छा कारोबार दे दो, अमुक अमुक जो भी इच्छाएं आपकी कामना है उनको लेकर के आप जाते हो, तो आप व्यर्थ में अपना टाइम पास करते हो, क्योंकि भगवान ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं करता। इसीलिए वेद मंत्रों में देवता है, देवता का अर्थ होता है सब्जेक्ट, विषय। वो नाना प्रकार के विषय होते हैं, उन विषयों से हम आत्मसात खुद को करते हुए वो जो गुण है, वो जो कर्म है, वो जो स्वभाव है, वो सब हमको लेना होता। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि भगवान के पास जाओ तो, पर भगवान को जानने की कोशिश करो। पर ये विषय कठिन है, ये विषय इतना आसान नहीं कि आपने बस कोई गीत बना लिया और गीत गा लिया और हो गया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, आरती गाली हो गया कल्याण, प्रसाद बढ़ गया। ऐसा नहीं होने वाला। माताओं आरती तो गाओ तो, लेकिन सवेरे मैं निवेदन कर रहा था, जैसे वेद मंत्र स्वयं में गौ है, गौ का दूध दूना पड़ेगा। अगर आपने मंत्र के अर्थ का विचार नहीं किया और उस अर्थ को जीवन में नहीं धारा, क्रोध न कर, ये संदेश दिया गुरु ने सब पांडवों को, कौरवों को, सबसे कहा कि याद करके ला दो, सबने जग से सुना दिया, क्रोध न कर। गुरु जी ने कहा याद कर लिया, बोले हो गया, इसमें कौन बड़ी बात, क्रोध न कर। पर युधिष्ठिर ने नहीं सुना, युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी याद नहीं हुआ, बोले सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है भाइयों में, और सबसे ज्यादा तू विद्वान भी है, बुद्धिमान भी है, और फिर भी ये कह रहा है कि मुझको दो शब्दों का वाक्य याद नहीं हो। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी आप जो सबक देते हो, आप जो संदेश देते हो, आप जो शिक्षा देते हो, आप जो विद्या देते हो, क्या वो रटने के लिए देते हो, केवल डिग्री लेने के लिए देते हो, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए देते हो, या जीवन निर्माण करने के लिए देते हो? बोला शिक्षा तो, विद्या तो आत्मा की उन्नति के लिए होती है। अरे विद्या तो, शिक्षा तो चरित्र के निर्माण के लिए होती है, विद्या तो दुखों से छूटने के लिए होती है। तो मैं तो विद्या आत्मा के लिए ही दे रहा हूं। तो फिर कहा गुरुदेव अगर आपने कहा क्रोध न कर, मैंने आपको सुना दिया, आप तो मेरे को पूरे नंबर दे दोगे, मैं पास भी हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने क्रोध किया, मुझे क्रोध आया, तो फिर आपकी शिक्षा का क्या, आपकी शिक्षा का क्या? मुझे तो यह पता है गुरुदेव आपने मुझसे कहा क्रोध न कर, इसका मतलब जीवन में क्रोध नहीं करना। दुर्योधन कितनी ही गालियां दे, उल्टा बोले, गलत बोले, तब भी मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि क्रोध में
कितनी बड़ी हानि हो जाती है, ठीक है ना। तो जो भी शिक्षा है वो इसलिए है कि हम जीवन का निर्माण करें। हम लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमने अपने नाम के साथ बहुत सारी डिग्रियां लगा दी हैं, लेकिन मेरी नजर में सारे के सारे तोते हैं, कबूतर हैं। एक बार एक बहेलिया कहानी सुनी होगी आपने बच्चों, है ना। एक बहेलिया तोतों को पकड़ के लाता था कबूतरों को और ला करके बेचता था। अब वो तोते जो पक्षी होते हैं वो बेचारे भोले भाले, वो दाना डालता था और उनको फिर जाल में फंस के ले जाता था। एक बार वो लेके जा रहा तो रास्ते में एक कोई साधु मिल गया, उसको दया आई पक्षियों पर। उसने कहा ये बेचारे कितने पिंजरे में फंसकर, बंधन में फंसकर तड़प रहे होंगे, क्यों ना इनको मुक्ति का मंत्र दे दो। उसने बहेली से कहा भैया ये तोते हमको दे दो। अब तोतों को ले जाने वाला बहेलिया बोला मैं इन्हीं से व्यापार करता हूं, तुम पैसा दे दो मैं तुमको ये तोते दे दूंगा। तो बाबा के पास, साधु के पास कुछ पैसे थे। देखो संत क्या करते हैं, धन का सदुपयोग करते हैं, इसलिए संतों को, विद्वानों को, आचार्यों को देना चाहिए। हम लोग कितने बड़े बड़े अच्छे काम करते जो प्रायः आप लोग नहीं कर सकते, वो काम करते हैं। गुरुकुलों का संचालन कर रहे हैं, गौशालाओं का संचालन कर, कितने और बेहतर काम कर रहे हैं, है ना। वो सारे काम तो व्यक्ति जब ये काम करेगा तो वो जो धन उसके पास आएगा उस धन से वो शराब तो नहीं पिएगा, उस धन से वो जुआ तो खेलेगा नहीं, उस धन का वो दुरुपयोग नहीं कर सकता। ध्यान रखना शक्तियों का तीन ही प्रकार से इस्तेमाल होता है, या तो धन का हम दुरुपयोग करते हैं, या तो हम उपयोग करते हैं, या तो हम सदुपयोग करते हैं। क्या करते हैं बोलो। जैसे किसी व्यक्ति को 500 का नोट पड़ा मिला, सदाचारी को पड़ा मिला, एक दुराचारी को पड़ा मिला, एक सामान्य व्यक्ति को पड़ा मिला, तो जब दुराचारी को पड़ा मिला तो वो क्या करेगा, अरे वाह मजे आ गए, जाके शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, और क्या करेगा, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति को मिला, उसने 500 रुपए का नोट पाया, फल मिठाइयां खरीदी, घर ले आया, बोले खाओ आज तो फोकट में 500 रुपए पड़े मिले, है ना। एक सदाचारी को मिला, उसने सोचा ये 500 रुपए मिले हैं, इस पर मेरा तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्यों ना मैं इसको परोपकार में लगाऊं, इसलिए उसने फल मिठाइयां खरीदे और रोगियों के पास चला गया और वहां जाकर के मुफ्त में उन सबको वो फल मिठाइयां बांट दी, हवन की सामग्री ले आया, आर्य समाज में दे दी, हवन करो या खुद भी किसी अच्छे काम में लगाए। तो ध्यान रखना जो शराब पीने वाला है उसने उस 500 रुपए रूपी शक्ति का दुरुपयोग किया, जो अपने घर में बच्चों को लाके खिलाया उस व्यक्ति ने 500 रुपए रूपी शक्ति का उपयोग किया, और जिसने परमार्थ में वो धन लगा दिया, ध्यान रखना उसने उस धन रूपी शक्ति का सदुपयोग किया। तो बाबा को 500 रुपए किसी ने दिए हुए, उसने कहा भाई ले 500 रुपए ले ले और मेरे को ये तोते दे दे, उसने वो तोते दे दे, 500 रुपए लेके चला गया। बाबा ने उन तोतों को पिंजरे में रखा, रखने के साथ ही उन्होंने उनको मंत्र देना शुरू किया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा तुम फंसना नहीं। मंत्र खूब सिखाया तो तोतों को याद हो गया, उन्होंने सबने रख लिया, अब सब पढ़ गए। बाबा ने सोचा, आचार्य ने सोचा कि मेरे शिष्य अब तो परफेक्ट हो गए, अब ये फंसने वाले नहीं है भाई। उन्होंने अपने शिष्यों को छोड़ दिया, तोते रूपी शिष्यों को छोड़ दिया, अब तोते उड़े अपने जाके डालों पर बैठ गए। उनको वो मंत्र याद रहा, वो वही गाने लगे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा तुम फंसना नहीं। बहेलिया पहुंचा हुआ था, दाने डाल के जाल बिछाई रहा था, कानों में आवाज पड़े तो फिर सर पीट लिया, बोले अच्छा रहा उस आचार्य ने तो इन सब तोतों को अपना चेला बना लिया और सबको ही मंत्र दे दिया, अब तो मेरे जाल में कोई फंसने वाला, मेरा तो कारोबार चौपट हो गया। यही सोच रहा था इतने में देखता है कि फड़फड़ हो रही है, आवाज आ रही है, आह देखा तो सारे तोते दानों पर टूट पड़े हैं और मजे से जैसे पहले खाते थे वैसे खा रहे। उसने सोचा ये क्या बात हुई, इनको तो मंत्र भी है और ये बोल भी रहे फिर भी मेरा दाना चुग रहे, अरे होगा। उसने झट से जाल खींचा, सबको पकड़ा और जानबूझ करके साधु की कुटिया की तरफ से निकला और कहा ले सिखा ले अपने चेलों को, ये तेरे चेलों को लेके आया हूं,
बाबा ने कहा, अरे शिष्यों मेरे सबक का क्या हुआ, क्या तुमको सबक याद नहीं रहा? तोते अभी भी बोल रहे थे पिंजरे में फंसे हुए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। सर पीट लिया बाबा, बोले इसलिए पढ़ाया था। तो निवेदन यही, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये मंत्र भगवान का याद ना हो, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे, अच्छा बड़े हो गए तो क्या हुआ, बचपन में सीखा कि नहीं सीखा? ये सबको मंत्र याद है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो। तो में और तुम में क्या अंतर? सबक इसलिए दिया गया था, सबक इसलिए दिया गया था, आपत्ति काल को छोड़ करके कभी झूठ का व्यवहार नहीं कर। जो छुपाने योग्य बातें हैं उनको छुपाओ, व्यर्थ में कुछ भी मत छुपाओ, झूठ का व्यवहार मत करो, हिंसा का व्यवहार मत करो। बोलो, ये संदेश सबको पता? आप में से कौन ऐसा है जिसको ये वेद के वचन याद नहीं, वेद की शिक्षाएं याद नहीं? आप लोग आरती गाते हो, पर आरती के अंदर जो भाव है, क्या कभी आपकी नजर उस पर भी गई? आपने कभी चिंतन किया? चलो आरती की बात पहले निपटा लेते हैं, और मैं तोल लेता हूं कि आप लोग जो आरती करते हो उस आरती के अंदर क्या शब्द है, क्या प्रार्थना है, आप बोल क्या रहे हो? सच्ची बात कहूं तो वेद मंत्रों का संकलन है, और इस आरती में वेद के मंत्रों का उपदेश भी है। पर आप लोग सोचते हो इसको बोल करके, थोड़ा दियाबाती करके, ऐसे ऐसे घुमा के, थोड़ा भोग लगा के काम बन गया, बस चलो जी हो गया काम। इतने से बनने वाला नहीं है, ये तो वैसी ही पूजा है जैसे इस किताब की ऊपर ऊपर से पूजा करना। मैं इस किताब की भी आरती बना सकता हूं, और आपको मैं आरती बना करके आरती करवा भी सकता हूं, लेकिन इन आरतियों से, इन स्तुतियों से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखना, महर्षि दयानंद इसीलिए कहते हैं, भांड की तरह गाता तो जाता है पर अपना आचरण कुछ भी नहीं सुधारता, वो अपने आप में क्या है, ऋषि की दृष्टि में एक भांड है, वो केवल गाता है। हम जो भी बोले उसको पहले तोले, विचारे, चिंतन करें, आत्मा तक लेकर के जाए, मैं जो बोला हूं वो क्या बोला हूं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द शक्ति है, शब्द आत्मा का श्रृंगार कर सकता है और आत्मा का तिरस्कार भी कर सकता है, ध्यान रखना संहार भी कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शब्द को जीने का प्रयास तो करो, शब्द को विचारो, तो शब्द क्या बोल रहे हो। तब हमने आरती में क्या बोला, जो ध्यावे, एक बार बोलो ना आप लोग, याद तो सबको होगी पर शर्मा रहे हो, एक बार बोलो, बहने बोले, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति हर आवे, कष्ट मिटे, ओम जय। नहीं नहीं, आर्य समाज के अधिकारी कुछ नहीं कहेंगे, आप आराम से बोलो, कोई टेंशन मत करो। नहीं नहीं, खाना पक्का मिलेगा 7 बजे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं तो इसी मस्ती में बोलता हूँ और आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं भूल हो रही है, कहीं गलती हो रही है, उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। जो ध्यावे फल पावे, तो यहाँ पर वेद मंत्र का संदेश है, इमम स्तोमम अर्हते जातवे दसे रथवे सम महिमा मनुष्या, अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को ध्याएगा वो उत्तम फल को पाएगा। परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर को ध्याना क्या है, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर का ध्याना केवल यह है कि ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, परमेश्वर मेरे साथ, मेरे हर क्षण हर पल मेरे पास है, एक पल को भी मुझसे दूर नहीं हो रहा, वो मेरे हर कर्म को देख रहा है। अरे मेरी आंख जो झपकती है ना, मुझे नहीं पता कि सुबह से कितनी बार मेरी पलक झपकी, लेकिन भगवान को पता है। मुझे ये नहीं पता कि एक सप्ताह में मेरी आंख कितनी बार झपकी, लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक मैंने जितनी बार पलकें झपकाई, भगवान को सब काउंट किया, सब पता है भगवान। ध्यान रखो, इतना हमारे लिए प्राप्त है ईश्वर, इतना हमारे साथ। कई बार हम सोचते भगवान उसे देख रहा होगा, मेरे को थोड़ी देख रहा है, पर भगवान हमको देखता है। वेद का एक मंत्र आता है, न कीमिंद्रो निकर्तव्ये न शक्रा परिशक्तव्ये विश्वम शोति पश्यति,
छोटा सा मंत्र गायत्री छंद में बद्ध है, आपको निवेदन करने लगा हूं। नकीम इंद्रो, इंद्रो का होता है इंद्र अर्थात जिसने जिसने अंधकार रूपी असुरों को चीर दी, अर्थात जिसने शत्रुओं को असुरों को पराजित कर दिया। ध्यान में अपना असुर कौन है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, यही सब तो हमारे शत्रु हैं, ध्यान में रखना। इनसे हमें जीतना है तब हम इंद्रत्व को प्राप्त होंगे। कल इस मंत्र की अलग से व्याख्या करेंगे। मैं निवेदन करने लगा हूं नकीम इंद्रो निकर्तव्य, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर इतना सम्मानित है, इतना पूज्य है, इतना प्रतिष्ठित है, इतना यश ऐश्वर्य वाला है कि दुनिया में कोई उसको उसको अपमानित नहीं कर सकता। ना कर्तव्य, कोई उस इंद्र को उस परमात्मा के यश को कम नहीं कर सकता। क्या कोई कर सकता है? लेकिन लोग फिर भी भगवान के मंदिर में जाके उसको चैलेंज करते हैं, पता है क्या करते हैं? मैंने सुना एक मोहम्मद रफी था, उसने गीत बनाया, लोग गाते हैं कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू मानू तुझे मैं राम। आगे क्या कहता है? राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। सुना है ना जी, याद आ रहा है? दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। ऐसा सुना है ना, तो मतलब पट्टा ये कह रहा है मेरा काम बना तो मानूंगा मैं, और बनना सारे जग में तुझे बदनाम कर दूंगा। तब मंत्र कहता है नकीम इंद्र, अगर इस गीत बनाने वाले ने ये मंत्र सुना होता, पढ़ा होता, तो ये गीत हरगिज नहीं लिखता। गंदे गीत बनाए जा रहे, गलत गीत बनाए जा रहे, भगवान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जो ईश्वर को जानते नहीं, वो जो ईश्वर को मानते नहीं, वो ईश्वर की परिभाषा दे रहे, वो ईश्वर की व्याख्या कर रहे। तब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं नकीम इंद्र निकर्तव्य, उस परमेश्वर को कोई दुनिया में अपमानित नहीं कर सकता, उसके सूरज को चैलेंज नहीं कर सकता, उसके चांद को चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी वनस्पतियों को औषधियों को वृक्षों को किसी को भी वो चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी बनाई हुई किसी भी चीज को चैलेंज नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर कहा न शक्रा परिशक्तवे, शक्रा का अर्थ होता है शक्ति संपन्न, शक्तिशाली, वो इतना शक्तिशाली है उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। न शक्रा परिशक्तवे, और फिर आखिर में कहा विश्वम श्रोति पश्यति, विश्वम श्रोति सारे विश्व को अर्थात हम सब को सुनता है, पश्यति देखता है, वो हम सबको हर क्षण देख रहा है और हर क्षण सुन रहा है। अरे हम मुंह से बोले ना बोले, हमारे मन में आया वो मन की सुन लेता है। आगे आरती में यही तो आप लोग बोलेंगे। तो जो ध्यावे फल पावे, इसका अर्थ होता है जो परमात्मा में विश्वास लाता है, जो परमेश्वर में विश्वास लेकर के आया है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, उस पर विश्वास जिसका घनेरा है, समझ लेना उसी को परमेश्वर खुशियों का फल देता है, वो सुखी रहता है, वो हमेशा उन्नति करता है, उसके जीवन में शांति होती है, ध्यान रखना। फिर आपने क्या बोला? विश्वास के लिए और बढ़ाए, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। और ये आरती गाने वाली साईं के पास भी जा रही है, ये ही बोलने वाली, ये मंत्र बोलने वाली, ये पंक्तियां मंत्र है, ध्यान रखना। तुम ही ना पिता वसु तुम माता शतक कर तो बहु पिता, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, मुझसे क्या बोला, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। अरे मैं तुम्हें छोड़ करके किसी की आस कैसे कर सकती हूं, कैसे कर सकता हूं, चाहे बनाओ चाहे बिगाड़ो,
तुम ही मेरे जीवन के आधार हो। ध्यान रखना, हे प्रभु मेरे जीवन आधार तुम ही हो, हे प्रभु मेरे जीवन आधार तुम ही हो, बिगड़ी बनाने वाले करतार तुम ही हो, बिगड़ी बनाने वाले करतार तुम ही हो, माता पिता हो भाई बंधु तुम ही सखा हो, माता पिता हो भाई बंधु तुम ही सखा हो, परिवार तुम ही हो मेरा संसार तुम ही हो, परिवार तुम ही हो मेरा संसार तुम ही हो, बिगड़ी बनाने वाले करतार तुम ही हो, सुख दो या दुख दो धनी करो करो निर्धन, सुख दो या दुख दो धनी करो करो निर्धन, स्वीकार है मुझे जब स्वीकार तुम ही हो, स्वीकार है मुझे जब स्वीकार तुम्ही हो। आखिर में भक्त कहता है मैंने निवेदन किया, होगा किसी का पुत्र सुत, पुत्र को कहते हैं, होगा किसी का सुत किसी, होगा किसी का धन किसी का बल किसी का सुत, होगा किसी का धन किसी का बल किसी का सुत, मेरे तो रूप जीवन का सार तुम ही हो, मेरे तो रूप जीवन का सार तुम ही हो, हे प्रभु मेरे जीवन आधार तुम ही हो। ये निवेदन किया, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो में किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करू जिसकी, अगर संतान हो तो ठीक ना हो तो ठीक, लेकिन मैं कब्रों में पड़े हुए इन औलियाओं पीरों सैयदों के पास नहीं जाऊं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये अजमेर शरीफ पता नहीं कब से हो गए, ये बदमाश शरीफ कब से हो गए, ये मुझको पता नहीं चला, जिस बदमाश ने गौरी को यहां पर बुलाया कि भारत को लूटो, यहां पर संपदा है वैभव है, यहां की स्त्रियों कितनी सुंदर है, लूटो खजाना है आ जाओ बुलाए, और वो पराजित हो गया, उसको जीतने का मंत्र भी इसी ने दिया, ये लोग गाय को माता मानते हैं, तुम एक काम करो गायों को ले जाओ आगे आगे और नीचे अपने सिपाहियों को ले जाना, आराम से इनको पकड़ लोगे गिरफ्तार कर लोगे, और यही हुआ, यही हुआ, उन्होंने पकड़ लिया पृथ्वीराज को, और पकड़ने के बाद जो दुर्गति हुई आप सबको इतिहास पता है, आंखें फोड़ दी, और फोड़ने के बाद भाई उसको कारागार में भी डाला, बाद में जो दुर्गति हुई वो ये हुई कि उनकी पत्नी संयोगता और दोनों बेटियों को वो बांध करके ले आए, और उन पठानों के सामने आतंकवादियों के सामने आतताइयों के सामने उनको डाल दिया कि आराम से इनको भोग करो, ये तुम्हारी जीत ही वस्तु है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और मुझे बहुत पीड़ा होती है जब आप लोग ऐसे गानों पर थिरकती हो और नाचती हो, होना तो ये चाहिए था, अगर आप भारत की वीर नारी हो, अगर आपका आइडियल रानी लक्ष्मीबाई है, आपकी आदर्श अगर माता मदालसा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने देश की वीर वीरांगना आपकी, उनके इतिहास पढ़ो, कर्मावती का इतिहास पढ़ो, दुर्गावती का इतिहास पढ़ो, वो आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे, आप खुद में वो सब नहीं पढ़ रहे, बहुत पीछे छोड़ा है, आप हेमा मालिनी को पढ़ते हो, आप सुष्मिता सेन को पढ़ते हो, आप काजोल को पढ़ते हो, आप इन नाचने गाने वालियों को अपनी हीरोइन और हीरो मानते हो, ये सबसे बड़ी भूल हो गई। मैं निवेदन करना, मुसलमान नहीं मानता इस मामले में, मुसलमान को मैं बधाई दूंगा, लेकिन आप लोग मानते हो, आप लोग मानते हो कि नहीं, किसी मुसलमान के घर में इन नाचने गाने वालों के चित्र नहीं मिले, वो अपना आइडियल इनको नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं, हमारी बेटियों को हम कभी शिक्षा नहीं देते कि हमारे आइडियल नहीं है, हमारी आइडियल तो माता सीता थी, रुक्मिणी थी, गार्गी थी, मदालसा थी, लक्ष्मीबाई थी, उनके चित्र हमें आपके घरों में नहीं मिलते। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन नाचने गाने वालों के मिलेंगे आपके घर में मेरे को चित्र, तब मैं निवेदन करता हूं कि इन लोगों के आचरण अच्छे नहीं है, इन लोगों के चरित्र अच्छे नहीं है, आप अपने बच्चों को ये संस्कार दे ही नहीं पाए, देना चाहिए,
आप लोग गीत पर थरकते हो, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त, और आप लोग मस्त होकर के नाच रहे हो। एक बार भी कभी आपने सोचा, क्या दुर्गा वाहिनी ने सोचा, क्या बजरंग दल वालों ने सोचा, क्या आरएसएस वालों ने सोचा? मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सबको चुनौती देता हुआ कहता हूं कि अगर तुमको अपनी संस्कृति की रक्षा का थोड़ा सा भी अंदर भाव है तो फिर आप ऐसे गीतों को क्यों बजने देते हो, क्यों बजने देते हो? क्या ये गीत बजने चाहिए? क्या हमारी माँ बहन बेटियां इन गीतों पर थिर गए? अरे जिसके लिए महर्षि दयानंद ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपने आप को होम कर दिया, जिस नारी जाति के उत्थान के लिए, अरे आपके अधिकार पापी धर्माधिकारियों की तिजोरी में बंद थे, आप पढ़ नहीं सकते थे, आप लिख नहीं सकते थे, आपको केवल चौला चूका बच्चे पैदा करने की मशीन माना गया था, आपको शूद्र कहा गया था, आप अगर वेद मंत्र पढ़ लें तो आपकी कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता था, यह स्थिति आपकी थी। महर्षि दयानंद ने उन तिजोरियों पर लगे मोटे तालों को तोड़ा, आपके अधिकारों को निकाला और निकाल करके आपको जगदम्बा के सिंहासन पर बिठाया और आपकी जय जयकार की। लेकिन आपने क्या किया दयानंद के साथ? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्या तुम चीज हो, क्या तुम वस्तु हो? अगर तुमने इस गाने पर नाचा, अपनी बेटियों को नचाया, तो तुमने उन मुल्ला मौलवियों को ही कहीं ना कहीं पोषित किया है, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले ही, वो मुसलमान और ईसाई ही तुमको चीज मानते हैं, वस्तु मानते हैं, भोग की, बोलो मानते हैं कि नहीं? जबकि मेरी संस्कृति राम की संस्कृति है, कृष्ण की संस्कृति है, मेरी संस्कृति में स्त्री को, नारी को माता कहा है, पूज्या कहा है, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता रमण करते। बोलो ये संदेश दिया है कि नहीं दिया? जी दिया। तो आपको ऐसे गीत लिखने वालों के घर नहीं जलाना चाहिए, क्या तुमको ऐसी फिल्मों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? लेकिन आप लोग नहीं करते, आप सब चलता है, सब चलता है, चलता चलता पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, यहां तक आ गए, और अभी कहां तक पहुंचोगे आपको निवेदन करता हूं, पता ही नहीं है। आपसे कितनी आपकी संपत्तियां छीनी जा रही है, आपके घरों पर उनकी कुदृष्टि लगी हुई है, आपको नहीं पता आपकी बहन बेटियों पर उनकी नजर है, वो पूरा एक मिशन लेकर के चल रहे हैं। दारुल इस्लाम, खबरदार, बहुत तेजी से ये सब हमारे साथ आते जा रहे हैं, हमारे घरों तक आ गए। हम केवल ये देखते हैं कि पड़ोसी पिट रहा है, अरे पड़ोसी के घर में पीटा जा रहा है, किसी बाहरी शत्रु के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। ध्यान रखना, अगला नंबर हमारा, अगला नंबर हमारा है, बहुत सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन कर रहा था गौरी को, आप लोग पूछते हो अजमेर शरीफ हो गया, उसमें जाकर के भाई, पहले तो इस्लाम के लोगों से मैंने कई बार बात की, मेरी मौलवियों से बात होती है, मैंने कहा तुम एक बात बताओ, तुम लोग ये कहते हो अल्लाह अकबर, अर्थात अल्लाह सबसे बड़ा, बोले हाँ बड़ा, एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, कुफ्र है, बोले हाँ है। मैंने कहा फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तुम्हारा धर्म है, और कैसा तुम्हारा धर्म है कि तुम कुरान की ही बात नहीं मानते? बोले क्या मतलब? मैंने कहा आप लोग कहते हो कि ये जितने भी लोग मर जाते हैं उनको हम कब्रों में डालते हैं, ये सब कब्र में सो जाते हैं, इनको उठाया जाता है, कब उठाया जाता है? बोले जब कयामत का दिन आता है, और उस दिन इनके गुनाहों का या इनके अच्छे कामों का फैसला होता है, अगर इन्होंने पुण्य काम किए होते हैं तो इनको जन्नत मिलती है, और इन्होंने कुफ्र किया होता है, पाप किया होता है, तो इनको दोजख मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये वेद का भी सिद्धांत, कर्म के अनुसार फल की व्यवस्था है, कुरान में भी है, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है मैं मानता हूं, मुजरिम है, मुलजिम है, मुलाजिम है, अर्थात जिनके अभी फैसले नहीं हुए, ठीक है ना, जिन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई, वो जन्नत और ये दोजख के अभी अधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में उनके पास अगर कोई कब्र के ऊपर जाकर के ये कहता है कि हमको बेटा दे दो, हमारी नौकरी लगा दो, हम तुम पर चादर चढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो तुम सच बताओ, चादर की पहली बात तो जरूरत किसको होती, मरे हुए को कि जिंदे को? जिंदे को। हम लोग तो कोई मर जाता है ना, तो मैंने अपने यहां एक आंदोलन चलाया, मैं 5 किलो सामग्री 1 किलो घी लेके जाता हूं, और मैं लोगों से कहता हूं चादर बदर जिंदों को डालो, इस मरे हुए को जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ये पाखंड है। वो चादर कितनी बार बिक जाती है कि नहीं बिक जाती है? मैं निवेदन करूंगा ये चादर वादर की जरूरत मरे को नहीं, सबसे पहले। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बुत परस्ती नहीं? एक खड़ी मूर्ति होती है, एक पड़ी मूर्ति होती है, मुसलमान पड़ी मूर्ति की पूजा कर रहा है और हिंदू खड़ी मूर्ति की, दोनों ही बुत परस्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अल्लाह हाजिर और नाजिर है कि नहीं? मौलवी से मैंने बात की, वो कहने लगा हाजिर और नाजिर, अर्थात जब चाहो तब अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो मैंने कहा मांगना अल्लाह से चाहिए या अल्लाह के बंदे से?
अरे अल्लाह के बंदे से मांगना चाहिए या अल्लाह से मांगना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ मौलवी साहब, अल्लाह से मांगने में, अर्थात बाप है अगर अल्लाह भगवान, तो बेटे को बाप से मांगने में टेंशन क्या है? रोका किसने? भाई तेजस अगर अपने प्रणव जी से कहे पिताजी मेरे को ये दे दो, तो तेजस जो है प्रणव जी का पिताजी है, पिताजी पिताजी है प्रणव जी, और तेजस आकर के सुरेंद्र जी से कहे सुरेंद्र जी मेरे पिताजी से कह दो कि वो मेरे को ना एक छाता ला के देते, बरसात बहुत हो रही है। अच्छा तुम सीधे नहीं कह सकते जब बाप मौजूद है बैठा हो, क्या लड़ाई चल रही तुम्हारी? तो क्या मुसलमानों की सबकी लड़ाई चल रही खुदा से? नहीं, अगर लड़ाई नहीं चल रही है तो सीधे ही भगवान से क्यों नहीं मांगते? क्या वो तुम्हारी नहीं सुनता? अरे क्या वो तुम्हारी कितनी आयतें हैं कुरान में जो ये कहती है कि अल्लाह सुनता है? तो जब अल्लाह सुनता है तो अल्लाह को सुना, ये मरे हुए को क्यों सुना रहा है? हड्डियां भी नहीं रही इसके अंदर, तो मर के सड़के सब चीटी चूटे सब खा गए होंगे। बोलो उसके ऊपर कबर बना करके लूटे रहे, हमको लूट रहे हैं। ध्यान रखना इस्लाम कोई मजहब नहीं है, धर्म तो बहुत बड़ी बात, इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये एक एक गिरोह है। ध्यान रखना ये क्या है, बोलो एक गिरोह है, और इसकी गिरफ्त में धीरे धीरे हम सब आ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है, इस गिरोह से बचने की आवश्यकता है। ये लोग बहुत तेजी से हमारे सारे कामों को भी लिए चले जा रहे हैं, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग छोड़ते जा रहे हैं अपने काम। इसलिए एक छोटा सा निवेदन करता चलूं, और वो भी ध्यान से सुन लीजिए, हो सके तो इस पर सजग रहिए, अपने बच्चों को भी सावधान करिएगा, अपना माल तो इनको बेचिए लेकिन बहुत कोशिश करिए, अगर कोई विकल्प ना हो तभी इनसे सामान खरीदिए, वरना मत खरीदिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो भाव बनाइए। अपने बच्चों को भी कहिएगा इनके सामान को मत खरीदिए, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे सामान पर नजर रखे हुए, इस देश से प्यार नहीं करते, भारत से इनको प्यार नहीं है। ध्यान रखना अगर भारत से प्यार होता तो जिन्ना ये नहीं कहता कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अपनी आबादी के अनुसार अलग मुल्क चाहिए। क्यों चाहिए? क्या नहीं रह सकते थे? और सच में नहीं रह सकते, धरती पर एकमात्र इस्लाम ऐसा है जिसके साथ दूसरे मजहब नहीं रह सकते। हिंदू ईसाई के साथ रह सकता है, हिंदू सिख के साथ रह सकता है, हिंदू बौद्ध के साथ रह सकता है, बौद्ध हिंदू के साथ रह सकता है, पारसी हिंदू के साथ रह सकता है, यहूदी हिंदू ईसाई सिख आदि सबके साथ रह सकते हैं, सब सबके साथ रह सकते हैं, लेकिन मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। वो तब तक रह सकता है जब तक ये दुर्बल है, जैसे ये सबल हो जाते हैं आपके सामने संकट पैदा होने शुरू हो जाते, वही गाय काटनी शुरू हो जाती, वही। तो ये विषय मैं आज बहुत ज्यादा लेने वाला नहीं हूं, लेकिन भाव आता है तो मैं आपके लिए ये बोलता हूं कि ये जरूरी, हम ईश्वर को अभी थोड़ी देर छोड़े, क्योंकि ईश्वर को मिस्ट्री है, उसको खोजना पड़ेगा, उसको अभी हमें जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, और वही मैं प्रयत्न कर रहा हूं। आरती में हमने क्या बोला, आगे हमने क्या बोला, आगे हमने बोला तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आगे क्या है, किस विधि मिलू दया में दीजो मोहि सुमति। मांगा क्या, क्या मांगा तुमने, सुमति, अर्थात हे मां हे मेरे प्रभु तुम मेरे को सद्बुद्धि दो कि मैं तुमको मिलू कैसे, तुमको मैं पाऊं कैसे। तुम हो एक अगोचर, अगोचर का मतलब होता है आंखों से कान से वाणी से नाक से, अर्थात ज्ञानेंद्रियों से तुम प्राप्त होने वाले नहीं। तुम परमाणु नहीं हो जो तुमको हम खोज ले, तुम परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, इसलिए तुम निराकार हो। अब निराकार को ये आंखें कैसे देखेंगी, अरे कैसे देखेंगी, इसलिए कुछ लोगों ने तुम्हारा साकार रूप बना दिया, पर भगवान का जब कोई आकार ही नहीं होता, कोई रूप ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, मुझे बताओ उसका फोटो कैसे खींचोगे, अपना फोटो खिंचा लो तो खींच मेरी फोटो, तुम्हारी तो फोटो खिंच जाएगी, ठीक है ना, दीवार पे टंग जाएगी, पर भगवान की कोई जब आकृति नहीं है, रूप नहीं है, क्यों जी, तब उसकी फोटो कैसे खींचोगे, नहीं खींच सकते, उसकी फोटो है ही नहीं, उसकी फोटो तो केवल उसके गुण है, क्या है बोलो, उसके गुण कर्म और स्वभाव ही उसकी फोटो है। तो अपने गुण कर्म स्वभाव, जैसे महर्षि दयानंद ने उसको साक्षात्कार करते हुए चखा, क्या तरह चखा, वो ऐसा स्वादिष्ट है, वाह 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 वाह। फिर वो लिखते हैं जैसे कोई
कोई वैद्य किसी पदार्थ को लेकर के चखता है, जैसे मेरे सामने अगर आप त्रिफला रख दो तो मैं तुरंत उसको चखते ही बताऊंगा इसमें हरड़ है, इसमें बहेड़ा है, इसमें आंवला है, मैं बता दूंगा। इसी तरह से आप मेरे को सब्जी रख दो कोई सामने तो मैं बता दूंगा इसमें आलू है, आलू की सब्जी बनाए, टमाटर है वो तो दिख भी रहा, पर इसमें हींग की आ रही तो हींग भी है, थोड़ा जीरा भी है कि नहीं, नमक भी है। तो ये सारी चीजें हमने चख करके बता दी, बोलो बता दी कि नहीं। इसी तरह से आत्मा से चखा जाता है परमात्मा को, इसलिए बड़ा रहस्य का विषय है। इस विषय को इतना आसान मत समझ लीजिए जितना लोगों ने समझा दिया है। आरती भी हमें यही समझा रही है, यही बता रही है कि हम भगवान को कैसे पाएंगे। तो कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम सबके प्राणों के स्वामी हो, सबको ही प्राण देने वाले हो, जीवन देने वाले हो, शक्ति देने वाले हो, लेकिन तुम अगोचर हो, तुम आंखों से देखने का विषय नहीं हो। इसका मतलब मैं फिर आगे भक्त कहता है देखो अपनी बुद्धि जो भी है वो रख करके सामने सरेंडर करते हुए कहता है भगवान मुझे धियो यो नः प्रचोदया। ये मंत्र यहां पर फिट करिए, दो मुझको सुमति अर्थात धियो यो नः प्रचोदया, ओ परमात्मा मुझको वो मति दो, वो बुद्धि दो, वो सद्बुद्धि दो कि जिससे मैं तुमको प्राप्त कर लूं। यही बोला ना आरती में, लेकिन अब तक समझाया गया, अब तक समझा, अब तक विचारा। फिर आगे आपने आरती में क्या बोला, आपने फिर आरती में बोला भगवान के लिए, नहीं नहीं उससे पहले भी है तुम अंतर्यामी, ऐसा कुछ है ना, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। अब जरा सोचो, रुको जरा रुको, क्या बोला आपने, तुमने कहा तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके, तुम अंतर्यामी, हे परमेश्वर तुम्हारा कोई पारावार नहीं है, तुम नाग हो। अच्छा एक बात यहां पर प्रसंग आया तो पूछ लेता हूं, आपने सुना होगा हमारे पुराणों में है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारी धरती है, धरती को ही ले लो, ये टिकी किस पर है, ये पूरा जो भूगोल है, ये पूरा भूमंडल है, ये वो जो पूरा ब्रह्मांड है, तो आपने देखा होगा पूरी ऐसी पृथ्वी बनाई गई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया गया, और वो नाग है ना, वो शेष नाग, तो शेष नाग के फन पर वो धरी हुई है। आपने ऐसा चित्र देखा है? अच्छा सच बताओ ये ठीक है या गलत है? गलत नहीं है, सही है। तुमको अभी समझ ही नहीं तो मैं क्या करूं, अब मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग समझिए, पता नहीं आप लोग, रहस्य है ना ये, मैं कह तो रहा हूं, इसको खोजना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, जैसे आविष्कारक आविष्कार करता है वहां से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, कोरोना की वैक्सीन बनाई जैसे, है ना, अपने भारत ने, ऐसे ही आपको भगवान को खोजना पड़ेगा तब वो मिलेगा। अब देखो हमारे ऋषियों ने खोजा, इसलिए हमको एक चित्र के माध्यम से समझाया। सच बताओ शेष किसे कहते हैं, नाग किसे कहते हैं, तब आपको समझ में आ जाए। ये शब्द हैं, इन पर आपको विचार करना पड़ेगा, ध्यान रखना, नाग और शेष, शेष नाग पर ये धरती, ये ब्रह्मांड टिका है, यही तो बताया ना। अच्छा अब जरा देखो शब्दों को देखो, शब्द है शेष, शेष माने क्या होता है, बचा हुआ, बैलेंस, अलग, ठीक है ना, जैसे चार में से दो गए कितने बचे, शेष कितने, दो, तो बचा हुआ मतलब अलग, ठीक है ना। और नाग का क्या होता था, ना धन आ धन का, ये इसमें ना मानी नहीं, आ मानी आता, गा मानी जाता, गा गच्छति गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ना आता है और नो जाता है, इसलिए उस भगवान का एक नाम नाग है, जैसे ब्रह्मा विष्णु, ठीक है ना, ऐसे ही परमेश्वर का एक नाम बोलो क्या है सुरेंद्र जी, नाग। और नाग ना जो आता है ना जो कहीं जाता है, अर्थात सारे ब्रह्मांड में जो ठसा ठस उपस्थित भरा हुआ, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यं जगत्, वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है ना, इसलिए आता है और ना कहीं, वो सर्वदेशी है, एक देशी नहीं है, अगर एक देशी होता तभी तो वो आता और जाता, वो तो हर स्थान पर पहले से उपस्थित है, सर्वव्यापक है, इसलिए नाग ना आता ना कहीं जाता, सर्वव्यापक है, इसलिए उसका एक नाम क्या है बोलो, नाग। अब मुझे बताओ उसके बाद आया है शेष, लेकिन वो ब्रह्मांड में तो है,
पर ब्रह्मांड से शेष है, अर्थात बचा हुआ है वो ब्रह्मांड नहीं है, अर्थात मूर्ति हम ये शरीर है ना, इसमें आत्मा है। क्या है बोलो? इसमें आत्मा है, लेकिन आत्मा भी शरीर से शेष है, शरीर आत्मा नहीं है, किंतु शरीर में आत्मा। ध्यान रखो, मूर्ति में भगवान है पर भगवान नहीं है मूर्ति। क्या बोला मैंने? इसी तरह जैसे मेरे शरीर में आत्मा है और आत्मा के होने से मेरे शरीर में गति हो रही नहीं, आत्मा निकल गया तो लोग कहेंगे चल बसे बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे बोलते थे, मर गए। मर गए अर्थात मरे और गए, मरा शरीर गया आत्मा, चल बसे, चल करके कहीं बस गए। हमारे तो शब्द भी ऐसा समझाते हैं हमको। अब जरा बताओ, शरीर में आत्मा है लेकिन क्या शरीर आत्मा है? नहीं है। ध्यान रखना, अगर शरीर आत्मा होती तो हम ये ना कहते मेरे पांव में दर्द हो रहा है। अरे कहते हैं ना, दर्द कहां हो रहा है? सर में, मेरे सर में। तो मेरा और मैं दोनों में अंतर है। ये मेरी किताब, तो किताब अलग चीज है, मैं अलग चीज। मेरा दुपट्टा, तो दुपट्टा अलग है और मैं अलग हूं। इसी तरह मेरा कुर्ता, मेरा कुर्ता पता नहीं कहां चला गया कई बार। मेरा पेन, तो पेन अलग चीज है, मैं अलग हूं। इसी तरह मेरा सर, तो सर भी पेन की तरह अलग हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान रखना, मेरा सर, मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरी गर्दन, मेरा सीना, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा मन, इससे आगे जाइए मेरी बुद्धि। अरे सोचो, यानी बुद्धि तक को हमने कहा मेरी बुद्धि, मेरा मन, यानी मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं इनसे शेष हूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं इनसे जुदा हूं, मैं इनसे अलग हूं, अर्थात मेरी सत्ता अलग है। ध्यान रखना, इसी तरह से भगवान भी नाग है, शेष नाग है, मतलब वो सारे ब्रह्मांड में वैसे ही व्याप्त है जैसे शरीर में आत्मा व्याप्त है। ध्यान रखना, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और उसमें परमात्मा है, परमात्मा के होने से ब्रह्मांड गतिशील है और शरीर में आत्मा होने से शरीर गतिशील है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है, ब्रह्मांड परमात्मा नहीं है, वो इससे बैलेंस है, बचा हुआ है, शेष है, इसलिए उसका नाम शेष नाग है। और मुझे बताओ ये ब्रह्मांड किसके ऊपर टिका है? अरे बताओ, शेष नाग के ऊपर टिका है। अब तो बोलोगे सही है? अरे समझ आया कि नहीं? ये सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, हम और आप किसके आधार पर है? शेष नाग अर्थात उस परमेश्वर के ही हम आधार है। और फिर कहा अंतर्यामी, ओ परमात्मा, वाणी से हम बोले इससे पहले ही मन में आता है। बोलो आता है कि नहीं? तुमको जो चाहिए वो मन में पहले आता है कि नहीं आता? तो मेरे मन में जैसे ही आया भगवान तूने जान लिया। अब हम लड्डू रखे थाली में, फूल रखे थाली में, बड़ी दूर से आए हैं प्रभु जी तुम्हारे लिए, प्यार का तोहफा लाए, हलवा लाए, पूड़ी लाए, लो खाओ, फिर दो चार आरती गाते हैं, कहते हैं हमको दे दो। मतलब अब सुना रहे हो, इतनी देर में भगवान की, मैंने तो सुन ली तभी, मैंने तो तेरी तभी सुन ली जब तेरे मन में आई, अब तू इतनी देर बाद इतना सब नाटक वाटक करके क्यों आ रहा है? ध्यान रखना, ये सब नाटक है, ये सब व्यर्थ में टाइम पास। परमेश्वर अंतर्यामी है, तुमने खुद बोला, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हो आरती में तुम अंतर्यामी, ठीक है ना, तुम सबके स्वामी हो। और फिर आपने अगले चरण में फिर क्या कहा? देखो आप अपनी बात से ही मुकर रहे हो, आप लोग अंदर ले ही नहीं जा रहे हो आरती को, उन शब्दों को। आपने कहा दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा मैं तेरे। आहा, अब क्या बोला? सानो बंधुर जनिता सविधाता, ओ परमात्मा तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखाओ, दीन बंधु दुख हरता, अरे तुम ही भरगा हो, दुखों को दूर करने वाले हो, तुम ही हमको सुख देने वाले हो। ओहो परमेश्वर, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं हो तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं, इसलिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सदाई कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना।
बनाए रखना। तो कृपा क्यों चाहते हैं? इसलिए क्योंकि भव से पार उतरना है तो हमें भगवान का आसरा लेना होगा। भगवान ही हमारे दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। वो हमारा सच्चा बंधु है, सच्चा सखा है, सच्चा गुरु है, सच्चा पिता है। और आखिर में हमने क्या कहा? ओम विश्वानि देव, ये मंत्र है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो संतन की सेवा कहां कर रहे हो? अपने बाप की सेवा नहीं कर रहे? हमारी क्या करो? आजकल लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, वो संतों की सेवा कहां करेंगे? टाइम नहीं हमारे पास। आपके गुजरात में तो बहुत अच्छे लोग हैं, खूब सेवा हो रही है, लेकिन हमारे और देश में मैं जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं लोग रो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, परेशान हैं। विद्वानों को अब घर में स्थान नहीं मिलता। ध्यान रखना, विद्वान अगरबत्ती की तरह होते। हम लोग अपना जीवन आप सबके कल्याण के लिए ही लगा दिए, समर्पित कर दिए, आपके लिए सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं नाना प्रकार के आध्यात्मिक। और यही चाहते हैं कि किसी तरह से प्रभु वो स्वप्न साकार हो, ऋषि का कृणवंतो विश्वमार्य, आपका भगवान वो स्वप्न साकार है, सारे संसार के लोग श्रेष्ठ बने। लेकिन आप बताओ, ऐसे विद्वानों के लिए कहीं कोई जगह है? कोई सम्मान दे रहा? नहीं दे रहा। तो फिर भला बताओ, आप बोले संतन की सेवा के लिए मुझे ये शरीर मिला है भगवान, मैं संतों की सेवा करूं और विषय विकार मिटा दो, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, मैं पर नारी को गलत दृष्टि से देखता हूं, पर पुरुष को गलत दृष्टि से देखती हूं, मैं पराय धन को भी कई बार लेने की भावना रखता हूं, यही तो दुर्गुण है, यही तो दुर्व्यसन। तो जितने दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जितनी बुराइयां हैं, प्रभु मुझसे दूर कर दो, विषय विकार मिटाओ, ये माथा रखा करो कई बार भगवान के सर के, ये सर भगवान के आगे पटका करो कई बार, और अपने को देख करके कहा करो, अपनी बुराइयों को देख करके कहा करो, मैं आप विश्वास करो आपकी बुराई दूर हो जाएगी अगर आप बार बार भगवान से कहो, ये भगवान मेरी बुराई तुम दूर करो। आप शराब पीते हो, शराब छूटने, मैंने 3 लोगों की शराब छुड़ाई और उनको यही मंत्र दिया, तू बीड़ी छोड़ना चाहता है, सिगरेट छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, या और भी कोई बुराई है तू छोड़ना चाहता है, तो तू जिसको भी मानता है, किसको मानता है? बोले मैं दुर्गा माँ को मानता हूं। मैंने कहा तू दुर्गा माँ के ही पास जा। एक बोला कि मैं उसको मानता हूं, मैंने तू उसी के पास जा। और जाकर के उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं पर वो एक ही, अल्लाह और भगवान दो नहीं है, एक ही, मानने के ढंग अलग है, जानता कोई नहीं, इसीलिए पागलपन। मैं निवेदन करूंगा, मैंने कहा सर पटक और जाके कह विषय विकार मिटाओ, मेरी बुराई भगवान तुम छुड़ा दो, मेरी बुराई तुम छुड़ा दो, मैं इस बुराई से दूर रहना चाहता हूं, बचना चाहता हूं, प्रभु मुझ पर कृपा करो। तुम ऐसा 7 दिन लगातार करना, 8वें दिन तुम्हारी बुराई छूट जाएगी। ऐसा करके तो देखो, अंदर से भाव पवित्र कर तुम्हारा है, तुम सच में बुराई छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी बुराई छूट सकती है, तुम दूर हो सकते हो। अगर नहीं हो सकते होते तो ये लिखा ही नहीं जाता कि विषय विकार मिटाओ, विश्वानि देव सविता दुरितानि, लिखा ही नहीं जाता। भगवान ये मंत्र हम लोगों को देता ही, हम बुराई छोड़ सकते हैं, पर इसके लिए हमें बुराई छोड़ने के लिए अंदर से तैयार होना पड़ेगा। और आखिर में हमने कहा तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। इदम नमम की भावना यहां पर भरी पड़ी है, ये मेरा नहीं है परमेश्वर, सब तेरा है, तेरा है भाई, तेरा है, तेरा है भाई, मैं निवेदन करूंगा। लेकिन आप पकड़े पड़े हो, मेरा है भाई, मेरा है, ये मेरा ही तो रुलाता है, तेरा हंसाता है और मेरा रुलाता है। ध्यान रखना, एक एग्जांपल देता हूं, कल्पना करो ये तेजस बैठे हुए हैं और ये सुरेंद्र जी बैठे हुए, अब इन दोनों को एक नाटक करता हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनना तो समझ आ जाएगी मेरी बात। सुरेंद्र जी एक मकान खरीदना चाहते और तेजस के पास एक बढ़िया सा मकान ही बेचना चाहते। इन्होंने कहा मैं अपना मकान बेच देता हूं क्योंकि मुझे गुजरात में रहना है। अब इन्होंने कहा भी ठीक है, पर इन्होंने मकान बहुत बढ़िया बनवाया था, 20-25 लाख का मकान, खूब इन्होंने मेहनत करी, अच्छा मकान था। सुरेंद्र जी को चाहिए था मकान, वहां पर इनको रहना था, कल्पना करो। अब होता क्या है, इनकी बात हो जाती और तय हो जाता है कि भाई मेरा मकान तुम खरीद लो। इन्होंने कहा कितने लोग? बोले कि 25 लाख का है, पर तुम मेरे अपने ही लगते हो इसलिए तुमको 24 लाख में देता हूं। इन्होंने कहा जब अपना मानते हो तो 23 कर लो। इन्होंने कहा भाई चल, डन हुआ, 23 लाख में मकान तय हो गया। अब सोचना जरा होता क्या है, मकान है तेजस का, ठीक है ना,
तेजस कह रहा है कि ये मेरा मकान, और उसको देख करके सोच रहा है मेरा मकान कितना अच्छा, मेरा मकान, मेरा मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान, ठीक है। सुरेंद्र अभी तक कह रहे हैं तेरा मकान, तेरा मकान, तेरा मकान, तेरा, अभी हुआ नहीं, पैसा नहीं गया। इन्होंने कहा कल मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, कल पैसा दूंगा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, तुम तो अपने ही हो, कल रजिस्ट्री करा लेना, तभी मेरे को पैसा दे देना, ठीक है ना, और कल से तुम्हारा हो जाएगा मकान, जो मेरा था वो तेरा हो जाएगा। अब हुआ क्या, शाम को पता नहीं इन्होंने दिया बाती करी, वो कैसे गड़बड़ हो गई, बिजली का बाइट हुआ, मकान में लग गई आग। बुरा मत मानना तेरे, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मकान में लग गई आग, मकान धू धू करके जल रहा है। अब सच बताओ रोएगा कौन, सुरेंद्र रोएगा कि तेजस, तेजस क्या कह के रोएगा, हाय मैं मर गया, मेरा मकान जल गया, ये रोएगा, ये परेशान होगा। अच्छा रुला कौन रहा है, मकान रुला रहा है कि मेरा, मेरा। अभी आपको समझ में आएगा जब आगे बाजी पलटेगी। हुआ क्या, इनने मकान के पैसे दे दिए, अभी मकान ठीक ठाक। सुरेंद्र जी ने 23 लाख रुपया तेजस के खाते में डाल दिया, बैनामा हो गया। और भाई अब ये बोले कि भाई तेजस जी अपना सामान निकालो, अब तो मकान हमारा हुआ। बोले हाँ तुम्हारा हुआ, तेरा है भाई तेरा, पर पैसे लेके हुआ तेरा, पैसे ले लिए, अब ये कह रहे ये तुम्हारा है। अब सुरेंद्र जी कह रहे हैं मेरा, क्योंकि पैसा दे दिया। आकर के नेम प्लेट बदलते हैं, तेजस की नेम प्लेट हट जाती है, वहां मकान पर नेम प्लेट लगी सुरेंद्र आर्य। तो अब मकान किसका हो गया, अब सुरेंद्र कह रहा है मेरा मकान। अब ये बेचारा सामान रखने के लिए ट्रक लाई रहा था कि बिजली का फॉल्ट हो गया, मकान धू धू करके जल, अब बताओ कौन रोएगा, तेजस रोएगा कि सुरेंद्र, नहीं बताओ ना कौन रोएगा, सुरेंद्र रोएगा, क्यों रोएगा, क्योंकि और सुनो मजेदार बात, ये दोनों तब हंसेंगे। मकान जब इसने पैसा नहीं दिया था सुरेंद्र ने तेजस को, तो तेजस रो रहा था और ये हंस रहा था, बढ़िया रहे मकान नहीं खरीदा, अगर खरीद लिया होता और आग लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और अब तेजस हंस रहा है क्योंकि सुरेंद्र का जला मेरा थोड़ी जला। तो तेरा हंसाता है और मेरा ध्यान रखना। इसलिए हमारे संसार में, हमारे अपने व्यवहार में, पता है भाषा तेरा की थी, मेरा की नहीं थी। हम लोगों ने हमेशा मेरा की भाषा नहीं बोली, तेरा की भाषा बोली। कोई हमारे घर आता था और हमसे पूछता था ये मकान किसका है, तो हम क्या बोलते थे, आपका ही ऐसा है। और हमारे हमारे घर में कोई गाय होती थी बड़ी स्वस्थ, हम पूछते थे भाई साहब ये गाय किसकी है, आप ही की है, इसका मतलब गाय इन्हीं की है, ठीक है ना, ये प्लाट बहुत अच्छा है, ये किसका है, आप ही का है साहब। तो ये भाषा हमारी थी, और हमारी संस्कृति अंग्रेजों की संस्कृति से अलग है, हमारी सभ्यता अलग है। वहां पर आप अगर देखें तो प्रथम पुरुष में बड़ा अंतर है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों के लिए प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बताओ जल्दी से, अंग्रेजी पढ़ने वाले फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, प्रथम पुरुष, नहीं नहीं फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, क्या आता है बोलो, आई और वी आता है ना, यही आता है ना। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही दे आदि आदि आता है। मतलब हिंदी में अगर कहें तो मैं प्रथम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष हो गया, और उत्तम पुरुष पर कौन आया, सा अननोन पर्सन, आई डोंट नो, जिनको मैं नहीं जानता, वो ही, वो दे, वो अननोन पर्सन क्या है बोलो, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है। लेकिन हमारी संस्कृत में आओ, हमारी हिंदी व्याकरण में आओ, तो हमारे यहां प्रथम पुरुष कौन है बेटे बताएंगे, हमारे यहां कौन है, सा तव ते, क्या है बोलो, ये प्रथम पुरुष है, और मध्यम पुरुष तुम, युवा युयम, और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। मैं निवेदन करना चाहता हूं अहम को कहां रखा गया है, हमारी संस्कृति में सबसे आखिर में, ठीक है ना। और अननोन पर्सन को कहां रखा गया है, प्रथम स्थान पर। और अंग्रेजी वालों ने कहां रखा है, मैं को सबसे पहले रखा है और ही को सबसे बाद में रखा है। बस इसी से सिद्ध हो जाता है कि हमारी संस्कृति संस्कारों से कैसे युक्त है और हम कैसे परोपकार के लिए जीवन जीते हैं।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां कभी मेरा की भाषा नहीं बोली गई। हम भोजन बनाते थे तो सबसे पहले हम सोचते थे कोई आ जाए और ये भोग लगाए, अर्थात हम एक निवाला तोड़ करके आज भी अपनी थाली में आगे रखते हैं। भगवान को याद करने के बाद पहली रोटी हम गाय को देते हैं, कौवा को देते हैं, अतिथि को देते हैं। ध्यान रखना, हम कहते हैं ये जो मैं भोजन कर रहा हूं इस पर पहला अधिकार मेरा नहीं है, पहला अधिकार उन लोगों का है जिनकी वजह से मुझे ये रोटी मिली, याद रखना। और मैं जो रोटी खाता हूं आज शाम को जब आप रोटी खाएं और यहीं पर रोटी मिलेगी आज तो आपको बढ़िया वाली, मैं निवेदन करूं कल तक मिलेगी, चिंता मत करें। तो हाँ, बढ़िया वाली मिल रही है, ऐसी वैसी नहीं है, इसके पीछे इतनी बढ़िया लागत आ रही, कल वाली तो बहुत बढ़िया होगी, उसमें मिष्ठान भी होगा, आचार्य जी बता रहे। तो मैं निवेदन करूं, ये जो हमारे को थाली मिलती है, आपने कभी सोचा कि आपने ये थाली 250 रुपए की 500 रुपए की जो भी आपने बना ली है, कि आपने 500 रुपए में थाली तो खरीद ली, लेकिन इसमें कितने लोगों का योगदान आपको पता है? आपको नहीं पता है। तो कई बार एक बार ध्यान करना कि इसमें जो दाल है वो दाल कहां से आई, इसमें हल्दी पड़ी है हल्दी कहां से आई, इसमें जीरा पड़ा है जीरा कहां से आया, इसमें मेथी पड़ी है मेथी कहां से आई, आलू कहां से आया, टमाटर कहां से आया, फिर जो रोटी है गेहूं, वो गेहूं किसने पैदा किया। आप लोग अपने शरीर पर भी ध्यान दो, आप लोग कितने कपड़े पहने हो, जरा कानों के कुंडलों पर विचार करो, ये कहां से सोना निकला होगा, कितने लोग इसमें लगे होंगे खदानों में, तब जाके सोने के कड़े इकट्ठे किए होंगे, तब सोना टकसाल में आया होगा, फिर किसने इसको बनाया होगा, कैसे इसने डिजाइन लगाई होगी, उसके बाद चलो बिंदी पर, ये बिंदी किसने बनाई होगी, इसमें रंग किसने भरा होगा, फिर आओ अपने कपड़ों पर, ये ऊन कहां से आई होगी, ये कहां से रेशे आए होंगे, किसने जोड़ा होगा। आप लोग एक बार के कपड़ों और एक बार के खाने पर अगर विचार करें तो आप पाएंगे इसके पीछे लाखों लोगों का हाथ है। आई डोंट नो, जिनको मैं नहीं जानता, उन लोगों का हाथ है, उन लोगों का परिश्रम है, उन लोगों का श्रम है, उन लोगों की वजह से मुझको ये रोटी आज प्राप्त हुई है। पैसे से रोटी प्राप्त नहीं होती है, लोगों के श्रम से, लोगों के परिश्रम से मुझे रोटी प्राप्त होती है। जिस दिन ये तुमको समझ आ जाएगा उस दिन तुम ये नहीं करोगे कि मेरा है, उस दिन तुम्हारी भाषा बदल जाएगी, उस दिन तुम बोलोगे तेरा है भाई तेरा है, तेरा है भाई तेरा है। जितने भी संत हुए उन्होंने यही भाषा बोली, ध्यान रखना, रावण की भाषा है तेरा, राम की भाषा है तेरा। मुझे बताओ, जैसे ही राम जाते हैं लंका में, और लंका में जब वो समुद्र के किनारे बैठे हैं, पुल बांधने की स्थिति हो गई है ना, बांधा जा चुका है, मैं निवेदन करता हूं तभी विभीषण आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने भाई के द्वारा अपमानित किए जा चुके। हाँ, जब पतन होता है ना तो व्यक्ति ऐसे ही अपनों को छोड़ता है, ध्यान रखना, सत्य को छोड़ता है, परोपकार को छोड़ता है, वेद को छोड़ता है। विभीषण वेद है, विभीषण अपने आप में एक सत्य की प्रतिमूर्ति है, वो पुण्य है, और रावण ने इस पुण्य को सत्य को छोड़ दिया, वेद को छोड़ दिया। ध्यान रखना, केवल अपने अंदर कोई कोई जो तोतों वाली मैं अभी आपको बता रहा था वो रटा हुआ है, वेद रटे हुए हैं, लेकिन अर्थ को छोड़ दिया, निवेदन किया, और अर्थ आ गया राम के पास। जब राम के पास आया, ओहो ये अर्थ आया है, राम ने तुरंत विभीषण के मन में शंकाएं हैं कई प्रकार की, तुरंत शंकाओं को निर्मूल कर दिया और उसके मन के भावों को पढ़ करके बोले, आइए लंकेश, आपका स्वागत है आपके शिविर में। तो हनुमान जी ने कहा, ये लंकेश नहीं है, ये तो लंकेश के छोटे भाई विभीषण है। बोले मैं जानता हूं, मैं समझ गया, ये लंकेश नहीं, लंकेश के भाई विभीषण हो सकते हैं, इनके चेहरे से मैं समझ पा रहा हूं ये धर्मात्मा, ये इसकी जो चेहरे की आभा है वो बता रहे हैं, रावण नहीं हो सकता, वो तो अहंकार से टपकता हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राम ने तुरंत कहा कि मैंने इनको पहचान लिया। फिर बोले आपने लंकेश क्यों कहा? बोले मैंने लंकेश इनको इसलिए कहा क्योंकि रावण की मृत्यु के पश्चात लंका का स्वामी राम नहीं होगा, लंका का स्वामी विभीषण ही होगा। निर्मूल कर दिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं। और राम ने लंका जाकर के सीता को लाए हैं, लंका से एक लोहे की कील भी लेकर, जो अपना सारा छोड़े पड़ा है, जिसको सुरेंद्र जी गा रहे थे, एक तरफ श्री राम ने और एक तरफ भरत ने, दोनों ने ठोकर मारी। अरे बोलो, राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया, जिसने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, और जो भाई के लिए जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्राण त्यागूंगा, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सोचो अगर लक्ष्मण जीवित नहीं होते तो आप लोग राम को नहीं जान रहे होते, राम मर गए होते, राम अपने भाई से इतना प्रेम करते। तो ये तेरा
की भावना, ये परोपकार की भावना सिखाती है हमारी संस्कृति, तो मैं निवेदन करने लगा था कि गॉड इज मिस्ट्री, भगवान एक रहस्य है, इसको खोजने की आवश्यकता है, इसको बहुत गहरे जाकर के पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए वो आपने कहीं देखा हो दीवार पे लिखा हो, महर्षि दयानंद ने ईश्वर को चखा और चख करके उसके गुण कर्म और स्वभाव जो भी थे ना उनको सामने हमारे रखा, ईश्वर कैसा है, तो कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है ना, निराकार सर्वशक्तिमान है, दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ये ऐसे ही नहीं लिखा, चखा, जैसे चख करके मैं अभी बोल रहा था ना, हल्दी है मिर्चा है ना, ऐसे ही भगवान को चखा जाता है। आत्मा चखती हो, ध्यान रखना, ये आंखें नहीं चखती, ये जिज्ञा नहीं चखती, वो इनका विषय नहीं है। इसलिए गॉड को एक तरफ थोड़ी देर के लिए आप लोग रख करके केवल गॉड को भगवान को इतना ही समझो, आदत तो बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन और मन की तरंग मार लो, बस हो गया यही भजन, इससे ज्यादा आगे मत बढ़िए क्योंकि आपकी सामर्थ्य नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आज मैंने आपकी आरती पूरी आपको सिखा दी है और इसमें सारे के सारे सात वेद मंत्र आपको पढ़ाए हैं। आज के बाद कभी आरती करना तो इसी चिंतन के साथ करना और इसी व्यवहार के साथ करना और विचार करके करना और पर्याप्त समय चिंतन को देना, तब जाकर के आप समझ पाओगे कि भक्ति क्या होती है। मेरा विषय आज राष्ट्र था और मैं राष्ट्र पर निवेदन करने वाला था, लेकिन अब तो सात बज गए, अब मैं इस विषय पर और खुल करके चिंतन कभी फिर करूंगा। बस आखिर में इतना कहते हुए कि राज्री दीप्तव धातु से राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ होता है चमकने वाला, आभायुक्त, अर्थात अगर कोई देश प्रज्वलित है, अगर कोई देश चमकने वाला है, अगर कोई देश यशस्वी है, अगर कोई देश विकसित देश है, जैसे अमेरिका, जैसे रशिया, जैसे इजराइल, जैसे जापान, ये चमक रहे, ध्यान रखो, और संसार इनको विश्व के सबसे अग्रणी देशों में देख रहा है, पर ये इतने विकसित हुए कैसे, ये राष्ट्र बने कैसे, ये राष्ट्र की परिभाषा में आए कैसे, ये तब आए जब इनके देश के नागरिक चमके हैं, ध्यान रखना। तो देश नागरिकों से चमकता है, हमसे और आपसे चमकता है, इसलिए मैं प्रार्थना में कह रहा था हर व्यक्ति रूप राष्ट्र का एक पहरेदार हो, हम सबकी जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र के प्रति, इसलिए हम चमके, हम चमकने वाले बने, हम यशस्वी हो, हम वर्चस्वी हो, हम तेजस्वी हो, हम चरित्रवान होंगे तो मेरा देश चमकेगा। इसलिए अपने बच्चों को केवल डॉक्टर मत बनाइए, केवल इंजीनियर मत बनाइए, केवल धनवान बलवान मत बनाइए, उनको चरित्रवान बनाइए, उनको अपने राष्ट्र के साथ जोड़िए, राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़िए, संस्कार दीजिए उनको, जिसकी चर्चा मैं प्रातः कर रहा था, तब मेरा राष्ट्र खड़ा होगा और एक बार फिर से विश्व का वो गुरु बनेगा, मेरा राष्ट्र विश्व का गुरु बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दो पंक्तियां फिर से बोलिएगा, हम भारतीयों का प्रभु जीवन उदार हो, हम आर्यों का हे प्रभु जीवन उदार हो, सच सादगी भलाई जीवन का सार हो, सच सादगी भलाई जीवन का सार हो, हम आर्यों का हे प्रभु जीवन उदार हो। भारत में एकता अखंडता रहे गंगा बहे सदा,
मेरे देश का एक पहरेदार हो, हर व्यक्ति मेरे देश का एक पहरेदार हो, हम भारतीयों का प्रभु जीवन उदार हो। तो चार पंक्तियां कहकर आज का वक्त पूर्ण करता हूं कि हिंदू न बड़ा और न मुसलमान बड़ा है, न गीता बड़ी और न ही कुरान बड़ा है, कुरान बड़ा है। मंदिर व मस्जिदों में देश को न बांटिए, देश को न बांटिए, हम सबसे पहले अपना हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लाइट बंद।